गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो लेक्चर है वो है बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट को लेकर के। सिंगल एंट्री के चैप्टर में भी आप लोगों को कराया था। CMA के बच्चों के लिए क्या है कि ये एक एडिशनल चैप्टर के रूप में उनके बुक में दिया हुआ है और अलग से इसके ऊपर 3-4 सम्स उन लोगों के दिए हुए हैं, तो उसके लिए मैं अलग से करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक है। CA के भी बच्चे कर सकते हैं, CMA के बच्चे का तो कैसे भी करना ही है, ठीक है। अगर अपने मैं स्टार्ट करता हूं, अगर अपने टोटल डेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करें, गुड डेट, बैड डेट और डाउटफुल डेट, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि भाई मान लीजिए मेरा टोटल डेटर 1,00,000 रुपया का है, उसमें से गुड डेट 90,000 है, बैड डेट या गुड डेट मान लीजिए 80,000 है, बैड डेट मान लीजिए 5,000 है और डाउटफुल डेट मान लीजिए 15,000 है। गुड डेट मीन्स जिसके पैसे के कलेक्शन को लेकर के हमको कोई डाउट नहीं है, पैसे आ जाएंगे, सेफ है। बैड डेट मीन्स ये पैसा डूब चुका है, आगे नहीं आएगा। डाउटफुल डेट मीन्स इसको फोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहा है, कभी उठाता है डर है कि इसके कुछ पैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें वर्किंग का कहानी कैसे चलता है, क्योंकि मेरा इसका टोटल 80+5+15 मिलाकर के 1,00,000 रुपया है, तो जो बैड डेट होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बैड डेट होता है इसको हम लोगों को इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना पड़ता है, इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि एक एंट्री मार देनी पड़ती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000 रुपया का, और ये जो बैड डेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ता है, सिंपल। और ये जो 15,000 रुपीज का जो डाउटफुल डेट है, इसके अगेंस्ट में लगता है अगर कंपनी को कि कुछ बैड डेट हो सकता है अगले वाले साल में, तो हम लोग उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को लग रहा है अमाउंट वाइज, मैं परसेंटेज वाइज का कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंगली थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अमाउंट वाइज मेरे को लग रहा है कि इसमें से जितने डाउटफुल हैं 1900 रुपीज का, अमाउंट वाइज बोल रहा हूं, 1900 रुपीज का मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा या मेरा रुपया डूब सकता है इसमें से। गुड डेट तो डूबेगा नहीं, ये 1900 रुपीज का मेरा पैसा डूब सकता है ऐसा मेरे को लगता है, अमाउंट वाइज बोल रहा हूं। अब ये जो 1900 रुपीज का मेरा पैसा डूबेगा मेरे को लगता है, इसका भी अकाउंटिंग, इसको भी PL में ट्रांसफर, इसका भी लॉस अकाउंटिंग इसी साल कर लेना पड़ता है, और इसको बैड डेट नहीं प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से लिखा जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से, अच्छा से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कंपनीज ऑपरेशन, जहां मेरे पास पहले से कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं है, ये पहले साल मेरे यहां बैड डेट हो रहा है और प्रोविजन भी मैं बना रहा हूं। तो इस 1900 रुपए का मैं प्रोविजन बना दूंगा एंड माई जर्नल एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1900 रुपीज। अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा, ये बैड डेट भी P&L में चला जाएगा, एक और एंट्री आ जाएगी ट्रांसफर वाली P&L टू बैड डेट वाली, और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट भी P&L में चला जाएगा, माने टोटल 6,900 रुपया बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट मिला करके 6,900 रुपया PL में जाएगा। अगर आप इसका ट्रांसफर एंट्री देखिए ना, इस बैड डेट का ट्रांसफर एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, तो टोटल P&L में 6,900 रुपया चला जाएगा।
अब उसको आप डायरेक्टली जब आप पी एंड एल बनाओ तो पी एंड एल के डेबिट साइड में आप ऐसे लिख लो, टू करके टू बैड डेट 5000, एड प्रोविजन फॉर बैड डेट 1900, टोटल इज 6900। नहीं तो आपका मन करे बैड डेट को अलग प्रोविजन को अलग लिख दो, बहुत सारे लोग अलग अलग लिखते हैं, टू बैड डेट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, बहुत सारे लोग मिला जुला करके फाइनल एक ही फिगर लिखते हैं। तो ये आपके ऊपर है, दो फिगर लिखना है कि एक फिगर लिखना है। अगर दो फिगर लिखना है तो बैड डेट अलग, प्रोविजन फॉर बैड डेट अलग, अगर एक ही फिगर लिखना है तो मिला करके फाइनल फिगर अलग। इसमें कोई मार्क्स कमिया बेसी नहीं मिलता, प्लीज ये आपके ऊपर है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इसी चीज का हम लोग जब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में, इधर का साइड मान लीजिए असेट साइड है, तो आपका जो डेटर्स है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लाख, बैड डेट 5000, माइनस किया तो आया 95,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1900, माइनस किया तो 95,000 माइनस 1900, 93,100 आउटर कॉलम में। ऑल्टरनेटिवली आप ये डेटर और बैड डेट का नेट फिगर सीधा 95,000 से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप डायरेक्टली बोलोगे डेटर 95,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 1900, 93,100। मैं तो इसी को बेटर मान करके, मतलब 95,000 माइनस 1900 दिखाने को ही ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि बैड डेट का तो जर्नल एंट्री आप करोगे और करोगे तो बैड डेट तो डेटर को गिरा ही देगा, तो जब जर्नल एंट्री में लेजर में ही गिरा देगा तो डेटर तो ऐसे ही कम करके आएगा, तो वाई नॉट स्टार्टिंग पॉइंट इज 95,000, इट्स बेटर कि स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी 95,000, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट की आउटर कॉलम में चला गया। अब यहां पर एक बात बोलूंगा कि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट को आपने डेटर से माइनस करके दिखाया, ये सिर्फ बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाया, नथिंग मोर देन दैट, दिखाया दिखाया, माइंड माय वर्ड्स। आज भी लेजर में डेटर और प्रोविजन फॉर बैड डेट अलग अलग जिंदा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर के लेजर बैलेंस को कम नहीं किया, डेटर के बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन के लिए अमाउंट को कम कर दिया पर लेजर बैलेंस को कम नहीं किया। मतलब जब हम अगले साल डेटर और पीबीडीडी स्टार्ट करेंगे तो माय डेटर का स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 95,000, बोर्ड पे दिख रहे तो, एंड माय प्रोविजन फॉर बैड डेट का स्टार्टिंग पॉइंट विल बी बाय बैलेंस्ड ब्रॉट डाउन 1900 रुपया। अब मान लो अगले साल मेरा और कोई क्रेडिट सेल करना मैंने बंद कर दिया, एवरीथिंग इज क्लोज, मैं और क्रेडिट सेल करूंगा ही नहीं, से इट इज लाइक दैट, तो हम क्या करेंगे, मान लो डेटर्स का पैसा कलेक्ट हो गया तो बाई कैश 95,000 हो गया और ये जो प्रोविजन का पैसा है ये मेरे पीएल में राइट बैक हो जाएगा टू पी एंड एल 1900 रुपया, प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड रिटर्न बैक। भाई मैंने तो सोचा था ना कि 95,000 में से 1900 रुपया डूब जाएगा, अब नहीं डूबा मेरा, अब सोचा था डूब जाएगा बोल करके मैंने पीएल में लॉस एक बार बुक कर लिया था, अब मेरे को लग रहा है कि नहीं नहीं डूबा, लग रहा है कि अब सच्ची में नहीं डूबा, तो 1900 रुपया को हम इनकम में ट्रांसफर कर देंगे। तो मेरा यहां पे ये बताने का मतलब सिर्फ यही था कि डेटर 95,000 माइनस 1900, 93,100 बैलेंस शीट में हम सिर्फ दिखाने के लिए दिखाते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट ऐसा है और ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन लेजर में दोनों बैलेंस अलग अलग जिंदा रहते हैं और जरूरत पड़े तो प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड को राइट बैक करके पीएल में इनकम साइड में लिखा भी जाता है। अच्छा, एक जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता था, वापस से यहां पे आकर के देखो, मेरा गुड डेट 80,000 था, मेरा बैड डेट 5,000 था, मेरा डाउटफुल डेट 15,000 था, 15,000 में से मेरे को लग रहा था कि 1900 रुपया का मेरा डूबत हो सकता है, तो मैंने बोला 1900 रुपया का प्रोविजन बनाओ। ये जो 1900 रुपया होता है ना, ये जब परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, एक्चुअली जनरली क्या होता है कि प्रोविजन आर कंप्यूटेड ऑन परसेंटेज बेसिस, और ये जब परसेंटेज में कैलकुलेट होता है ना तो ये 1900 रुपया 95,000 के परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, मतलब 1900 का प्रोविजन डिवाइडेड बाई 95,000 रुपया का डेटर जो कि गुड डेट है, गुड मतलब सॉरी गुड और डाउटफुल डेट का टोटल डेट है, एंड दिस बिकम्स 2%, माने एक्चुअली डाउटफुल डेट के ऊपर ही प्रोविजन बनता है, लेकिन जो परसेंटेज निकाला जाता है, इंटरेस्टिंग चीज है,
जो परसेंटेज निकाला जाता है वो गुड एंड डाउटफुल को मिला करके निकाला जाता है, बैड माइनस कर दिया, जो बचा वो गुड एंड डाउटफुल मिला करके 1900 रुपया को 95,000 के बेस पे प्रेजेंट किया जाता है। 95,000 विल बिकम द बेस, 1900 रुपया न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड देयर विल बी 2% प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो कई बार क्या होता है, आपको 1900 रुपीज अमाउंट में नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा क्रिएट प्रोविजन एट द रेट ऑफ 2%। तो आप जो 2% प्रोविजन बनाओगे वो 1,00,000 का डेटर ओरिजिनल है, 5,000 का आपने बैड डेट माइनस किया 95,000 के 2% मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1900 रुपया, 1900 रुपया का प्रोविजन आप क्रिएट कर दीजिए। जर्नल एंट्री का पैटर्न आपको बताया, बैड डेट का एंट्री इज बैड डेट टू डेटर्स, प्रोविजन का एंट्री इज पीएनएल टू पीवीडीडी, बैड डेट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ये स्टोरी अपना बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट का कंप्लीट होता है इन 5 to 10 मिनट्स। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट या सेकेंड एंड सबसीक्वेंट ईयर। मान लीजिए मैं क्रेडिट सेल वैसे ही कर रहा हूं, मेरा बैड डेट वैसे ही हो रहा है, मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट मैं वैसे ही क्रिएट कर रहा हूं, और अब तो मेरा माल भी ज्यादा बिकने लग गया है, सेल का क्वांटिटी भी ज्यादा होने लग गया है। मान लो द सीन इज लाइक दिस कि मेरा सेकेंड ईयर में ओपनिंग डेटर 95,000, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं, और ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट 1900। ओके, अब ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए मेरा टोटल बैड डेट जो हुआ, जो मैंने राइट ऑफ किया, टोटल बैड डेट, बैड डेट टू डेटर बोल के जो एंट्री मैंने मारी वो मान लीजिए है 6,000 रुपए की। बैड डेट टू डेटर वाली एंट्री, टोटल बैड डेट सेकेंड ईयर में एंट्री मार दी, डूब डूब गया वो पैसा, और मान लीजिए मेरा क्लोजिंग डेटर्स है 1,70,000 रुपया। ये जो क्लोजिंग डेटर का फिगर है ये इस पूरे बैड डेट को माइनस करने के बाद में है, सब बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद एकदम क्लोजिंग फाइनल फिगर है ये। और मेरे को मान लीजिए प्रोविजन का जो परसेंटेज है, प्रोविजन रिक्वायर्ड इज 2%, सेम 2% जो मैं पहले बनाता था ना, 2% का प्रोविजन, अभी भी मेरे को लगता है 2% प्रोविजन मेरे को जरूरत है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो परसेंटेज प्रोविजन इज मेंटेन्ड एज सेम, ये अजम्पशन की बात है। तो अब मान लो मेरे को 2% प्रोविजन चाहिए तो वो तो सारा बैड डेट वैड डेट माइनस करने के बाद जो फिगर आता है क्लोजिंग डेट उसी के ऊपर करते हैं। अच्छा, बाई चांस अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ रहे कि ये जो क्लोजिंग डेटर है वो 1,76,000 लिख के दे दे और बोले हम लोग इसमें से बैड डेट अभी माइनस नहीं किए, तो आप लोग कर दीजिएगा, 1,70 पे ही प्रोविजन का कैलकुलेशन होगा। तो प्रोविजन आप अगर 2% निकालोगे 1,70,000 पे तो 3,400 रुपया आएगा। यू गॉट इट? अब इसमें देखिए स्टोरी लाइन क्या है कि आपके पास पहले से प्रोविजन 1900 रुपया का था, बैड डेट के लिए आपने बना रखा था, 6,000 रुपया का इस बार बैड डेट हुआ और क्लोजिंग प्रोविजन आपको 3,400 आपकी बुक्स में चाहिए। गॉट इट? तो अब इसका पूरा अकाउंटिंग एपिसोड कैसे बुक होता है, इसका पूरा जर्नल एंट्री का प्रोसीजर कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं। इसको 2-3 तरीके से किया जाता है, मैं आपको 2 तरीका एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट 2 तरीका। पहले वाले तरीके को मैं बोल रहा हूं मेथड 1, और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो मेथड 1 फॉलो मत कीजिएगा, मेथड 2 फॉलो कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। पर मेथड 1 क्या है मैं आपको बताता हूं। इस पर्टिकुलर एपिसोड में जब आपके पास पहले से भी कुछ प्रोविजन हो, बैड डेट भी कुछ हो और नया प्रोविजन भी रिक्वायर्ड हो, उस सिस्टम में मेथड 1 कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूं। मेथड 1 में आप बैड डेट की एंट्री मारो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, नॉर्मल एंट्री 6,000। बैड डेट को पीएल में ट्रांसफर कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट,
मैंने बैड डेट को प्रोविजन के साथ टच भी नहीं किए, बैड डेट अलग से पैदा हुआ, अलग से पीएल में चला गया। प्रोविजन के लिए क्या करो, ओपनिंग प्रोविजन 1900 है, आपके पास ऑलरेडी बुक्स में पड़ा हुआ है, यहां देखिए ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में पड़ा हुआ है ये 1900 रुपए, इधर देखिएगा बुक में कॉपी में। अब आपको प्रोविजन लेकिन बुक्स में 3400 चाहिए, तो आप एक काम करोगे कि 1900 आपके पास है, 3400 आपको चाहिए, तो 3400 माइनस 1900 आप 1500 रुपए का और प्रोविजन बना दोगे, एंड योर जर्नल एंट्री विल बी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1500 रुपया। तो आपके पी एंड एल में नेट 6000 और 1500 7500 रुपया ही गया। मेथड टू भी करोगे तो पी एंड एल में 7500 ही जाएगा, तरीका थोड़ा सा अलग होगा, मैं आपको बताऊंगा। मेथड वन में क्या है, बैड डेट को प्रोविजन के साथ टच भी नहीं करते, बैड डेट को अलग से पीएल में भेज दिया, ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन को कंपेयर कर लिया, एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ा तो पीएल टू पीबीडीडी लिख दिया। अगर कम प्रोविजन की जरूरत है तो हम लोग बोलते हैं प्रोविजन रिटर्न बैक। अगर मान लो ये आंसर प्रोविजन रिक्वायर्ड का आंसर अगर 1700 होता, मान लो 1% प्रोविजन रिक्वायर्ड करते, और ये आंसर अगर 1700 होता, तो मेरे पास प्रोविजन 1900 का है, मेरे को 1700 चाहिए, तो मेरे को 200 रुपए का प्रोविजन कम चाहिए, तो हम ये वाला एंट्री को उल्टा करके मार देंगे, पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 200 रुपया। वो तब होता है अगर क्लोजिंग प्रोविजन आपको कम चाहिए। तो मतलब ये हुआ, मेथड वन क्लोज करता हूं, बैड डेट को अलग से पीएल में ट्रांसफर कर दो, ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन को कंपेयर कर लो, अगर और प्रोविजन चाहिए तो पीएल टू पीबीडीडी कर दो, और अगर प्रोविजन की जरूरत नहीं है, कुछ प्रोविजन बुक से हटा देना है, तो एंट्री को उल्टा कर दो। मान लो ये एग्जांपल वैलिड है, तो 7500 आपके पीएनएल में चला गया, 7500 ये 6 और ये 1500 दो नाम से चला गया, और बैलेंस शीट में जब आप डेटर्स लिखोगे तो डेटर आपका 170000 है, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 3400 आप माइनस करोगे, क्योंकि अब आपके पास 3400 का बैलेंस है, पहले 1900 का था, 1500 आप और बना लिए, तो 3400 का बैलेंस है, आ गया 166600 फाइनल। ये आपके बैलेंस शीट का फाइनल फिगर और पीएल का फाइनल फिगर 7500। ये मेथड वन वर्क्स लाइक दिस। नाउ आस्क सर हाउ मेथड टू वर्क्स। मेथड टू में क्या होता है, बैड डेट को पीएल में नहीं भेजते, बैड डेट की एंट्री आ गई आपकी बैड डेट टू डेटर्स, ये वाली एंट्री आ गई बैड डेट टू डेटर्स, इस बैड डेट को प्रोविजन के अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। कहां पे शिफ्ट कर देते हैं, प्रोविजन के अकाउंट में। और कितना आपको क्लोजिंग प्रोविजन चाहिए, मैं जनरल दिखा रहा हूं आपको, कितना आपको क्लोजिंग प्रोविजन चाहिए, आंसर इज 3400 रुपीस। प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आपको पता रहेगा, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 1900 है, क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का 3400 है, और बैड डेट को प्रोविजन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। जर्नल थोड़ी देर के बाद दिखा रहा हूं, लेजर दिखाऊंगा तो जर्नल पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट है, आप एंट्री मारो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1900, ओपनिंग प्रोविजन आपका बाई बैलेंस, प्रोविजन तो क्रेडिट बैलेंस होता है, बैड डेट यहां पे एंट्री मारो टू बैड डेट 6000। अब सोचो आपके पास प्रोविजन खाली 1900 का था, लेकिन आपको बैड डेट राइट ऑफ करना है 6000, तो आपको 4100 रुपया का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तरीका देखिए सोचने का, 1900 का प्रोविजन है लेकिन बैड डेट 6000 का, तो आपको 4100 रुपया का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और फिर उधर में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी आपको 3400 रुपया चाहिए। तो आप, क्योंकि आपको बैलेंस सीडी का फिगर मालूम है 3400 रुपया और प्रोविजन चाहिए, मतलब एक तो 1900 आप बनाए थे, 6000 का बैड डेट हुआ तो 4100 वैसे ही शॉर्ट हो गया,
और फिर 3400 रुपये आपको अगले साल के लिए भी प्रोविजन चाहिए, तो आपको 7500 रुपये का प्रोविजन फाइनली बनाना पड़ेगा। अगर आप इस लेजर को ठीक से देखोगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ओपनिंग प्रोविजन, बैड डेट, क्लोजिंग प्रोविजन, डिफरेंस का प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, देखो एक एंट्री आ गई बैड डेट टू डेट, एक एंट्री आएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, बैड डेट पीएल में नहीं जाएगा 6000। तो ये आपका ओपनिंग था, ये आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट का एंट्री आ गया, एक एंट्री आएगा ये पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 7500 रुपया। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि मेरे पास 1900 रुपया का प्रोविजन था, 1900 मैंने 7500 रुपया का 7500 का और प्रोविजन बनाया, तो 1900 प्लस 7500 9400 का मेरा प्रोविजन टोटल हो गया, 6000 उसमें से बैड डेट के नाम का राइट ऑफ हो गया, तो मेरे पास 3400 रुपया बचा। मेरा कैलकुलेटर देखिएगा आप, मेरे पास 1900 का प्रोविजन था, मैंने 7500 का प्रोविजन और बनाया तो 9400 हो गया, उसमें से 6000 मेरा यूज हो गया बैड डेट के नाम का, तो मेरे पास 3400 रुपया बचा। तो ओपनिंग, न्यू, यूज्ड, क्लोजिंग, पर ये जो न्यू का फिगर है ना, ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में वर्कआउट करना पड़ता है। ये देखिए, ओपनिंग, न्यू, यूज्ड, क्लोजिंग। अब ये न्यू जो है, ये ओपनिंग, न्यू, यूज्ड, क्लोजिंग, ये न्यू बैलेंसिंग फिगर के रूप में आता है। और अगर क्वेश्चन में ये तीनों दिया हुआ है, मैंने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तो हम लोग इसको भी क्लोजिंग में निकाल सकते हैं 3400 को। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। गॉट इट? ये दो मेथड काम करता है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोले तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग मेथड नंबर 2 से काम करेंगे। अच्छा बच्चों, मेथड नंबर 2 में बताइए पीएल में कितना फिगर जा रहा है। तीनों जनरल एंट्री में पीएल को देखिए, जो सी द पी एंडल अकाउंट, इसमें जो पी एंडल किस एंट्री में, एक ही एंट्री में यहां पे, और पीएल में कितना फिगर जा रहा है 7500। सीधा लिख दीजिएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 7500, एक नाम एक अमाउंट, सीधा 7500। दो अमाउंट लिखना है, दो अमाउंट लिखिए, उसमें आपको एक बार 6000, एक बार 1500 लिखना पड़ेगा, एक बार बैड डेट के नाम से, एक बार प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से, और इस मेथड में आपको एक साथ 7500 लिखना पड़ेगा खाली प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बैलेंस शीट में वही 1,70,000 माइनस 3,400 166,600, तो आपका दोनों मेथड में ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्टॉर्ट नहीं होगा, पीएल का आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, बैलेंस शीट का आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। दोनों मेथड का सब्सटेंस ओवर फॉर्म अलग अलग है, सब्सटेंस सेम ही है। तो अगर सब्सटेंस ओवर फॉर्म का बात करो तो सब्सटेंस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एट ऑल। ये तरीका है बच्चों बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट की अकाउंटिंग को करने का। एक और थर्ड मेथड भी है, आइए सुना देते हैं आप लोगों को, फर्स्ट और सेकंड में ही रहना है, आइए मैं एक थर्ड मेथड भी सुना देता हूं, वेरी सिमिलर। हाँ, जस्ट आपको लगेगा यार ग्लास को थोड़ा सा इधर से भर दिया उधर से भर दिया, आई मीन जस्ट कान को घुमा के पकड़ने वाला काम है, फिर भी मैं एक तो मेथड नंबर 3 सिखा देता हूं। मेथड नंबर 3 कैसे काम करता है, प्लीज एंड रिजल्ट विल रिमेन सेम। हाँ, पीएल में 7500 ही जाएगा, बैलेंस शीट में 1,70,000 माइनस 3400 दैट इज 166,600 ही जाएगा। ओके, थर्ड मेथड में क्या है कि 1900 रुपया मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन था और मेरा बैड डेट 6000 हुआ और मेरे को 3400 रुपया का क्लोजिंग प्रोविजन चाहिए, तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। देखिए, बैड डेट का एंट्री मारेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 6000, बैड डेट को पीएल में शिफ्ट करेंगे बट पहले जितना प्रोविजन मेरे पास ओपनिंग में पड़ा हुआ है उससे एडजस्ट कर देंगे, मतलब एंट्री विल बी लाइक दिस, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 1900
पी एंड एल अकाउंट डेबिट 4100 टू बैड डेट। इसमें क्या हुआ बच्चों कि मेरे पास जो 1900 रुपए का प्रोविजन था वो मैंने खत्म कर दिया 6000 के बैड डेट को एडजस्ट करने के लिए। बैड डेट का अमाउंट मेरा ज्यादा था, प्रोविजन तो फुल्ली फिनिश्ड हो गया 1900 का, 4100 रुपए का और शॉर्टेज पड़ गया तो मैंने उसको पीएल में डाल दिया। आज के दिन मेरे पास प्रोविजन में एक रुपया भी बैलेंस नहीं है और 4100 रुपए मेरा पीएल में जा चुका है। अब प्रोविजन जीरो है, एकदम जीरो। अब मेरे को क्लोजिंग प्रोविजन 3400 रुपए चाहिए तो मैं 3400 रुपए का प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिकॉज मेरे पास तो ओपनिंग प्रोविजन कुछ भी नहीं है ना, हम तो यूज कर लिए, तो पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 3400 रुपए। इसको मेथड नंबर 3 बोलते हैं। मैंने अपने बुक में लिखा करके नहीं दिया, लेकिन एकदम कंफर्टेबल है, ये भी चलता है। एक ही बात, अरे बाबा कान को घुमा के पकड़ने का। अब इसमें भी देखो 7500 पीएल में कैसे जा रहा है, ये रहा 4100, ये रहा 3400, चला गया 7500 रुपए पीएल में। बैलेंस शीट तो वही है, 170000 माइनस 3400। सो कोई भी मेथड फॉलो करो, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे मेथड नंबर 2 में जाओ, इजी रहता है। इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट का लेजर बना लिया करो, चार ठो टोटल अमाउंट आता है, देख एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है वो तो फिक्स ही है, एक बैड डेट जितना भी हुआ सारा घुसेड़ दो इसी के अंदर, बाकी डिफरेंस का प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं बोले तो मेथड नंबर 2 में चले जाइएगा। सो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा बच्चों कि किससे करना है, आपको जो भी सूटेबल लगा जो भी लॉजिकल लगा आप उससे कर सकते हो, बिकॉज सब्सटेंस में तीनों सेम है, फॉर्म अलग अलग हो ही सकता है। मैं कोशिश करूंगा, मैं ज्यादातर सम नंबर 2 के हिसाब से बनाऊंगा। अब आप लोगों को एक चीज और मालूम होगा, एक और डिस्कशन बड़ा बच्चों को परेशान करता है, वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब आप ये समझ लो कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स का स्टोरी क्या हुआ कि जो डेटर हमको थोड़ा जल्दी पैसा दे देंगे उनको हम डिस्काउंट देते हैं, क्विक पेमेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट का डिस्काउंट देते हैं। तो अब जो डिस्काउंट मैंने ड्यूरिंग द ईयर दिया, डिस्काउंट अलाउड, और जो मैं अगले साल देने वाला हूं करेंट ईयर के डेटर्स पे, वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना, तो इस पूरे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अकाउंटिंग सिस्टम जो अभी पिछले आधे घंटे में मैंने तुमको बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट का बोला ना, जेरॉक्स कॉपी वाइज सेम है, इतना ज्यादा सेम है कि साला जुड़वा भाई लोगों का सिमिलैरिटी भी शर्मा जाएगा, इतना सेम है। डिस्काउंट अलाउड को बैड डेट के नाम से बदल देना, सिस्टम अकाउंटिंग का तीनों मेथड सेम टू सेम काम करेगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से बदल देना, सिस्टम पूरा सेम टू सेम काम करेगा। हम आधा घंटा एक्स्ट्रा दोबारा इसको पढ़ाने में वेस्ट नहीं कर सकते, हम सीधे अभी सम बनाना स्टार्ट करेंगे। आई हैव जस्ट टू से वन थिंग कि डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अकाउंटिंग प्रोसीजर 100% सेम है बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ। बैड डेट को डिस्काउंट अलाउड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के साथ इक्वेट कर सकते हो। हां, इतना सा है बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये वाले केस में अगर मेरे को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो वो भी परसेंटेज बेसिस पे ही मेजर होता है। और मान लो मैंने बोला 1% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना है, तो वो 1% का जो कैलकुलेशन होता है वो इसके ऊपर होता है। अमाउंट देख लो किसके ऊपर, 166,600। मतलब जो डेटर है बैड डेट डिस्काउंट अलाउड सब माइनस करने के बाद फाइनल डेटर, उसके ऊपर हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लिया, माइनस कर दिया। अब इस अमाउंट पे 1% निकलता है, मींस 1% विल बी मल्टीप्लाइड विथ द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग डेटर्स
less PBDD. So provision for discount on debtors, if it is to be measured on percentage terms, then the percentage will be multiplied, that 1% will be multiplied with the amount which has been arrived at by deducting the closing debtors and by deducting provision for bad debt from the closing debtors. Iske upar banega 1666. 1% nikalenge to 1666 aayega na, itna rupaya banega. Baki accounting procedure is fully same. So with this, mera bad debt, provision for bad debt ko lekar ke discussion complete hota hai. हम लोग चार या पांच सम बनाएंगे क्लास में, हम लोगों को आधा घंटा एक घंटा कितना लगेगा देखेंगे. इस तरह के छोटे मोटे सम एग्जाम में 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 2 मार्क्स करके आ सकते हैं. तो हम लोग अब इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि लॉकडाउन है. सीएमए के बच्चे इसे एक चैप्टर के रूप में करेंगे, सीए के बच्चे इसको रिवीजन के रूप में करेंगे. सीए और सीएमए दोनों के बच्चों को ये वाला टॉपिक करना है. और मेरा रिक्वेस्ट है, जिस दिन मैं वीडियो डालूंगा उसी दिन आप लोग कर लीजिए. एकदम आसान है, सिंगल एंट्री में मैंने इसको कवर भी किया है. सम्स नहीं बनाया अलग से, आज मैं इसके सम्स अलग से बना रहा हूं. जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ से, नहीं तो जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो इसी वीडियो में. इस सम को देखो, सम कहता है कि दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है 5000 रुपया ऑन 1 जनवरी 2014. बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर हुआ 3000 रुपया. सन्ड्री डेटर्स लास्ट डेट में है 50000 रुपया. ऑन 31st December देयर इज एन एडिशनल बैड डेट ऑफ 3000. ये जो है ना, देयर इज एन एडिशनल बैड डेट ऑफ 3000, इसको बच्चे लोग फर्दर बैड डेट के नाम से जानते हैं, पर ये कचरापंथी है. अगर आप बोल रहे हो ऑन 31st December 2014 देयर वाज एन एडिशनल बैड डेट ऑफ 3000, तो आप सीधा बोलिए ना मेरा बैड डेट 6000 है. अरे 31st March, 31st December भी तो ड्यूरिंग द ईयर 14 में तो आएगा ही. पर ये लोग स्टूडेंट से वो एक्स्ट्रा मेहनत कराने के लिए जबरदस्ती का बोलेंगे कि इस 50000 रुपया में से ये 3000 माइनस किया हुआ नहीं है, बच्चे लोगों को करना है. नहीं तो बहुत आराम से बैड डेट का अकाउंटिंग सीधा 6000 रुपया यहां पर लिख करके, अगर वो लोग चाहता अगर क्वेश्चन पेपर वाला चाहता तो इसको एक साथ 6000 लिख देता और क्लोजिंग डेटर 47000 लिख देता. बट ठीक है, हम लोगों को ऐसा भी मिले तो हम लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं है, इट्स फंटास्टिक. अब याद रखना है कि अपना बैड डेट 6000 है सब मिलाकर, और अपना क्लोजिंग डेटर 47000 है. इन्होंने इस तरह से लिख करके दिया है. फिर बोला क्रिएट ए न्यू प्रोविजन ऑफ 10% ऑन द डेटर्स. अब क्लोजिंग डेटर 47000 है, 10% प्रोविजन बनाएंगे तो अमाउंट विल बी 4700. और बैड डेट रिकवरी 500, आपको मैंने सिंगल एंट्री में बैड डेट रिकवरी की अकाउंटिंग सिखाई थी, नहीं तो अभी सिखा देता हूं. बैड डेट रिकवरी की अकाउंटिंग सिंपल है, डेटर से कोई मतलब नहीं, अलग से इनकम है. एसी चला दीजिए. हाँ दे दीजिए. जर्नल एंट्री सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट. एक कप चाय भी पिलाइए. बना दो. जर्नल आया क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, और बैड डेट रिकवरी को अलग से पीएल में भेज दिया. बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट. जैसे कैश टू कमीशन, कमीशन टू पीएल नहीं होता, कैश टू रेंट, रेंट टू पीएल, वैसा होता है बैड डेट रिकवरी का अकाउंटिंग. उन्होंने लिखा, एसी चलाओ दो ठो.
ठीक है, उन्होंने लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेटर का एक्सट्रैक्ट दिखा देंगे। तो ठीक है, आइए, बहुत सिंपल सा सम है, रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। मेरे साथ आप लोग बनाइए, कॉपी कीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट का लेजर मैं बना रहा हूं। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, इधर देखिए, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन उन्होंने दे रखा है, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन है 5000। टू बैड डेट मैं मेथड नंबर 2 से बना रहा हूं बच्चों। हाँ, मैं सारा बैड डेट प्रोविजन के अगेंस्ट में राइट ऑफ कर दूंगा, मैं बैड डेट को पीएल में नहीं लेके जाऊंगा, सब नेट नाट करके एक फिगर जाएगा। आप लोगों को याद होगा, आप लोग प्रैक्टिस में, फाउंडेशन में, बीकॉम में, हायर सेकेंडरी में पीएल बनाते थे तो इनर कॉलम में लिखते थे बैड डेट, फर्दर बैड डेट, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन, एक वर्किंग बनती थी रटने वाली, बैड डेट, फर्दर बैड डेट, न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन, ये उसका फाइनल फिगर है। ये लेजर उसको दिखा देगा, देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। टू बैलेंस कैरेट डाउन मेरा क्लोजिंग प्रोविजन जो बनेगा 47,000 पे 10%, जिसका अमाउंट आ गया 4,700, और बाकी मेरे पीएल में चला गया बैलेंसिंग फिगर 6 और 4 10,700, 5 और 5,700, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट एक बार लास्ट बार सीख लो, जैसा मन। ग्रीन टी बना दो। ये ओपनिंग प्रोविजन, ये पूरा बैड डेट मैंने यूज किया, ये क्लोजिंग प्रोविजन, ये मेरा फाइनल फिगर पीएल में। अच्छा, इसको आपका वो जो बचपन का जो याद है, मेमोरी है, उसको देखिए आप कैसे लिखते थे। बैड डेट पीएल में 3000, एड फर्दर बैड डेट, सेम आंसर आएगा, देखिएगा 3000, एड न्यू प्रोविजन 4700, लेस ओल्ड प्रोविजन 5000, फाइनल फिगर 5700, 3 और 3 6 और 4 10,700, माइनस 5000 5700। अब इसको सिंपल कैसे करें, कि मेरे पास 5000 का प्रोविजन था, मैंने 5700 का और बनाया 10,700, जब भी प्रोविजन बनेगा तो पीएल से बनेगा, 10,700 में से 6000 को यूज कर लिया, 4,700 बच गया, इजी। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्रोविजन का लेजर बनाना कंप्लीट हुआ। अब आप बोलोगे सर अगर बैड डेट का लेजर बनाऊंगा तो कैसे होगा, आप खुद सोचना, मेरे साथ साथ देखो और बनाओ। बैड डेट की पहली एंट्री आएगी बैड डेट टू डेटर्स 6000, दो बार लिखना है तो दो बार लिखो, बैड डेट टू डेटर 3000 3000, मैंने एक साथ कर दिया, बैड डेट टू डेटर 6000, और यहां मैं लिखूंगा बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 6000। ये इस वाले जर्नल का पोस्टिंग है, तो बैड डेट मेरे पीएल में नहीं गया, क्योंकि मैं मेथड 2 से सम बना रहा हूं, मेथड 1 से बना रहा तो बैड डेट पीएल में जाता, प्रोविजन का प्रोविजन से कंपैरिजन होके डिफरेंस का अमाउंट पीएल में चला जाता। दिखाओ मेथड 1 से बना के सेम रिजल्ट आएगा, 6000 को अलग से पीएल में भेज दो, मेथड 1 6000 पीएल में भेज दो, 5000 और 4700 को कंपेयर कर लो, 5000 ओपनिंग 4700 क्लोजिंग, 300 ज्यादा प्रोविजन पड़ा हुआ आपके पास पीएल में, इनकम साइड में लिख दीजिए, तो 6000 आपके पीएल के एक्सपेंस साइड में चला गया, 300 आपके पीएल के इनकम साइड में चला गया, नेट में 5700 आपके पीएल में चला जाएगा। तो मेथड 2 बनाओ ना यार, ठीक है ना, बैड डेट का अकाउंटिंग ऐसे। अब आप बोलेंगे सर बैड डेट रिकवरी का लेजर कैसे बनाएंगे, तो बैड डेट रिकवरी के लेजर में यहां पे आएगा बाई कैश, यहां पे आएगा टू पीएल। बैड डेट रिकवरी के लेजर को कोई चीज से कोई मतलब नहीं है,
ना बैड डेट से, ना डेटर से, ना प्रोविजन फॉर बैड डेट से, अलग ही दुनिया में रहता है ये। कैश टू बैड डेट रिकवरी, कितने रुपए की बैड डेट रिकवरी हुई है? 500 रुपए की। तो कैश टू बैड डेट रिकवरी 500, बैड डेट रिकवरी टू पीएल 500। अब मैं इसका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट अगर बनाऊं, साथ साथ बनाइएगा बच्चों, हाँ मैंने आपको बार बार बोला, सीएमए के बच्चों के लिए तो एग्जाम में रेलेवेंट है, सीए के बच्चों को भी कर लेना चाहिए। डेटर्स कितना है? आप अगर 50,000 को स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हो तो लेस फर्दर बैड डेट लिखना होगा, और नहीं तो अगर आप सीधे 47,000 को बैड डेट डेटर बनाते हो तो 47 से बनाओ, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,700, एंड द आउटर कॉलम इज 42,300। और अगर आपको लगे नहीं सर हम तो बच्चे हैं, तो ऐसे लिखो, डेटर 50,000, लेस फर्दर बैड डेट 3,000, 47, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,742,300। प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ आर सेम। सो दिस इज आर फर्स्ट सम सॉल्व्ड। आप लोगों ने कॉपी कर लिया सम को, बना लिया अच्छे से, जो भी डाउट वाउट वगैरह थे सारे क्लियर हो गए अच्छे से, गुड। अपने पास और पांच सम हैं, 2, 3, 4, 5, 6, एकदम सेम सिमिलर, सब कुछ सेम है, खाली प्रैक्टिस के लिए बनवाया जा रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। दो मिनट में आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए। बोला बैड डेट अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ, पीएल में कितना रुपया जाएगा दिखाओ, और बैलेंस शीट में कितना रुपया जाएगा दिखाओ, और 2 साल का डिटेल दिया है, 12-13 का, और नहीं 12-13 भी नहीं है, माने कैलेंडर ईयर बोलना चाहिए, कैलेंडर ईयर 2012 और कैलेंडर ईयर 2013। अच्छा देखिए, इन्होंने लिखा ईच ऑफ द अबव मेथड्स, ईच ऑफ द अबव, तो अबव तो कुछ लिखा हुआ ना, ईच ऑफ द टू मेथड्स, दोनों मेथड से आपको प्रेजेंटेशन करके देना है। टाइम लग जाएगा लंबा थोड़ा सा, लेकिन आराम से हो जाएगा। पहला मेथड क्या है? बैड डेट को पीएल में फेंकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? बैड डेट को प्रोविजन में फेंकते हैं। और तो कोई डिफरेंस है नहीं, एक लाइन का तो डिफरेंस है। फर्स्ट मेथड बैड डेट गोज टू पीएनएल, सेकंड मेथड बैड डेट गोज टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, फिनिश्ड। ठीक है बच्चों। अच्छा प्रोविजन का बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, क्लोजिंग प्रोविजन जो आप बनाओगे 5% 2012 में और 2.5% 2013 में, मतलब 2013 में ना इनकी सिचुएशन इंप्रूव हो गई, कमती रुपए डूबने लगे, तो ये लोग बोले कि हम लोग प्रोविजन कम बनाएंगे, डेटर ज्यादा स्ट्रांग अच्छे डेटर आने लगे, तो ये स्टोरी है। ठीक है, हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। एक बार अमाउंट देख लो, ये ओपनिंग प्रोविजन एकदम ओपनिंग वाला, ड्यूरिंग द ईयर का बैड डेट है, ये क्लोजिंग डेटर है, सेकेंड ईयर का बैड डेट है और डेटर है। चलो मेथड 1 से बनाते हैं पहले सम को।
सब स्टूडेंट मेरे साथ साथ स्टार्ट करो। मेथड वन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। फॉर्मेट रेडी, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। ये फर्स्ट ईयर 2012 का अकाउंटिंग कर रहा हूं। बाकी डेकोरेशन का काम एग्जाम में जैसे आप लोग करते हैं वो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। टू बैड डेट पूरा, अच्छा मेथड वन ना, मेथड वन सॉरी, मेथड वन में तो बैड डेट को पीएल में भेजेंगे। मेथड वन है ना, तो बैड डेट को पीएल में भेजेंगे। तो पहले बैड डेट का एक लेजर बनाओ। टू डेटर्स, बैड डेट है 3000, सीधा इसको पीएल में भेज दो बाई पी एंड एल। खत्म, दी एंड बैड डेट का। और प्रोविजन क्लोजिंग कितना बनाना है लिख लो, टू बैलेंस सीडी। प्रोविजन का ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कितना बनाना है 1,25,000 इंटू 5%, 6,250। देखो तो मल्टीप्लिकेशन ठीक है ना मेरा, हो गया। बैलेंस का प्रोविजन और बना लो, टू पी एंड एल 1,250, सॉरी बाई पी एंड एल 1,250। बच्चों एक चीज देखना, जब आप सेकेंड मेथड भी बनाओगे ना तो पी एंड एल में 4,250 रुपया ही जाएगा। पीएनएल में डिफरेंट अमाउंट नहीं जाएगा। फर्स्ट ईयर का दोनों लेजर कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर में आप इसको वापस से बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखोगे 6,250। नहीं दोनों मेथड नहीं, दोनों लेजर फर्स्ट मेथड से कंप्लीट हुआ। हां ठीक ही बोले, दोनों लेजर फर्स्ट मेथड से कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर का बना रहे हैं, वापस से आपका बैड डेट खड़ा हुआ। बैड डेट टू डेटर्स आपने लिखा 2,500 रुपए, इसको आपने पी एंड एल में फेंक दिया पूरा 2,500 रुपया। क्लोजिंग प्रोविजन आपको बनाना है टू बैलेंस सीडी, थोड़ा कम बनेगा इस बार, 1,00,000 का 2.5% बनेगा ओनली, जो कि है 2,500। तो अब देखो आपके पास प्रोविजन 6,250 है लेकिन आपको 2,500 रुपये ही चाहिए उसमें से, तो बाकी आप इनकम में डाल दीजिए। आप ज्यादा प्रोविजन बना दिए थे तो आपके इनकम में चला जाएगा 3,750, टू पी एंड एल 3,750, ये बैलेंसिंग फिगर आता है। तो सेकेंड ईयर में क्या है, ये 3,750 आपके इनकम साइड में जाएगा और ये 2,500 रुपये आपके एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। नेट में 1,250 इनकम है, नेट में, सेकेंड ईयर का बात बोल रहा हूं, ठीक है। लेजर दोनों बन के कंप्लीट हो गया। अब अगर आप पी एंड एल 2 साल का, ये बीच में जो 2 लाइन था ना वो साल को डिवाइड करता है, पी एंड एल अगर 2 साल का बनाते हो तो टू बैड डेट 3,000, ये वाला पोस्टिंग ये 1,250 का, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,250, दी एंड, नेट में 4,250 पीएल में, फाइनल फिगर। सेकेंड ईयर में टू बैड डेट 2,500 और बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसको पीबीडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बोलते हैं, 3,750। ये सेकेंड ईयर का है स्टोरी, नेट इज 1,250 इनकम साइड, ये वाला। तो ये 2 साल का लेजर, ये 2 साल का बैड डेट का लेजर, ये 2 साल का पीएल और ये 2 साल का बैलेंस शीट, डेटर्स 1,25,000 लेस पीबीडीडी 6,250, आउटर कॉलम इज 118750, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अच्छा ये बीच में मैं लाइन इसलिए टानता हूं कि ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है, इधर ब्लैंक रखा है, यहां खाली डेटर दिखा रहा हूं, देयरफॉर दीज आर एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट लिख दीजिएगा एग्जाम में, डेटर 1,00,000,
प्रोविजन फॉर बैड डेट 2500, आउटर कॉलम इज 97500। पूरे सम को दो साल को अपने मेथड वन से इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अब आइए मेथड टू, जिसमें ज्यादातर सम हम लोग बनाते हैं। मेथड टू का खास बात क्या है कि बैड डेट प्रोविजन के लेजर में जाकर के मर जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट एक कुआं है, कूद के मरता है वो बैड डेट। थर्ड टू बैड डेट पूरा 3000 यहां पे घुसा दिए और टू बैलेंस सीडी आपका 6250 था। अमाउंट सेम यूज कर रहा हूं तो बार बार कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं। 9250 5000 बाई पी एंड एल 4250। पीएल में देखिए 4250 एक सिंगल फिगर जाएगा और यहां पे भी पीएल में 4250 है। दो नाम से जा रहे हैं, नेम्स आर डिफरेंस, फॉर्म्स आर डिफरेंट, सब्सटेंस इज सेम, नेट पी एंड एल विल कम सेम, नेट प्रॉफिट विल कम सेम। आइए सेकेंड ईयर दिखाते हैं। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 6250 आया, यही वाला। टू बैड डेट आया 2500, टू बैलेंस सीडी भी 2500, 1,25% 2500। देखिए इधर 6250 का प्रोविजन था, 2500 मैंने यूज कर लिया, 2500 मेरे को और चाहिए तो भी मेरे पास सरप्लस पैसा बचा हुआ है। टू पी एंड एल, इसी को बोलते पीबीडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बैक, पीबीडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड रिटर्न बैक 1250। फाइनल फिगर इनकम साइड में चला जाएगा, आखिरी फिगर। आप देखिए यहां पर भी 1250 ही है, सेकेंड ईयर में देखिए 2500 3750, नेट करोगे तो 1250 ही आएगा। अब इसमें अगर आप बैड डेट का लेजर बनाते हो, लेजर सिंपल है। अब आप लोग सजेस्ट करना मेरे को, टू डेटर्स मैंने लिखा 3000, बताओ यहां मैं बाई पीएल लिखूं या बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखूं, बताओ। बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। सेकेंड ईयर में अगेन टू डेटर्स 2500 बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 2500। पीएल अगर बनाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो ये अमाउंट का पोस्टिंग होगा खाली पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 4250, दी एंड। सेकेंड ईयर में ये पोस्टिंग होगा इनकम साइड में पीबीडीडी टू पीएल, तो पीएल में बाई पीबीडीडी। दो लाइन जब भी मैं टानता हूं ये मीनिंग है कि ईयर खत्म हो गया। आप लोग अच्छे से टेबल वेबल बना के 2012 2013 लिख करके बनाएंगे। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि एकदम सेम टू सेम होगा, सो जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आप लोग बनाना हो तो बना देना, बैलेंस शीट सेम टू सेम रहेगा, डेटर्स पीबीडीडी, दैट्स इट। पांच मिनट का टाइम देता हूं, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्यूशन को कॉपी कर लो।
अब अगर बच्चों क्वेश्चन साइलेंट रहेगा ना, हम लोग हर सम को इसी मेथड से बनाएंगे और किसी को बोलने की दरकार नहीं है, मेथड नंबर टू है, सबको समझ में आ जाएगा। जो लोग आपका कॉपी जांचेगा ना, दे ऑल नो क्या स्टफ है ये। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ते हैं, बोर्ड पे देखिए, जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ में देखिए, ऐसे छोटे छोटे सम बोर्ड पे भी दिख जाएंगे। मतलब जो एक नंबर सम था ना, एकदम जेरॉक्स कॉपी सम है, एकदम डिट्टो, क्योंकि प्रैक्टिस करना है। अब मैं होमवर्क में दे सकता था, लेकिन क्या एक छोटा सा सम होमवर्क में दे दो मिनट के लिए, तो यही क्लास में बनवा देता हूं। चलो बच्चों एक बार मेरे साथ बोर्ड में मेरे को आंसर बोलना, ये अपना ओपनिंग प्रोविजन कितना 5000, बैड डेट ये 900 रुपया हुआ, इधर में 400 रुपया का और जिसको फर्दर बैड डेट बोलते हैं, अनअकाउंटेड बैड डेट को ये लोग फर्दर बैड डेट बोलते हैं बेटा, और क्या, हम लोग अकाउंटिंग कर दिए और क्या, 40400 में 400 रुपया डूब गया, तो फिर मेरा टोटल बैड डेट कितना हुआ बच्चों, ये 400 को अगर मिला दें तो 900 के अंदर 1300 रुपया का बैड डेट हो गया, और मेरा क्लोजिंग डेटर कितना बचा, अब तो 40400 नहीं बचा, 40400 माइनस 400 40000। और बोला मेरे को प्रोविजन जो क्लोजिंग बनाना है वो 5% बनाना है, तो वो 40000 पे बनेगा फाइनल फिगर पे, 40000 का 5% हो गया 2000। नेसेसरी लेजर्स बोला है तो दो लेजर बनाते हैं, चलो प्रोविजन फॉर बैड डेट। मैं ना चार नाम लिखूंगा यहां पर, आप मुझे चारों अमाउंट बताओगे, बाई बैलेंस बीडी, टू बैड डेट, टू बैलेंस सीडी, बाई पीएनएल। सेम समय तो आपकी बताने की ताकत होनी चाहिए। बाई बैलेंस बीडी बोलो कितना लिखूं, मेरे साथ साथ आप लिखो 5000, टू बैड डेट दोनों मिला के 900 और 400 1300। टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग प्रोविजन 40000 पे 5% बनेगा, 40000 पे 5% 2000, 3300 माइनस 5000, ये भी बाई पीएल नहीं आया, पीएनएल प्रोविजन रिटर्न बैक हो गया, तो टू पीएनएल हुआ 1700। तो इनकम साइड में आएगा अल्टीमेटली पीएनएल में, पीएनएल का एक्सट्रैक्ट नहीं मांगा, अगर मांगता तो पीएनएल बना करके बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखते इनकम साइड में। देखिए ना, इसका पोस्टिंग अगर पीएल में करोगे तो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा ना। एक लेजर कंप्लीट बच्चों, ये वाला लेजर बनाओ बैड डेट वाला, टू डेटर्स एक साथ दोनों 1300 रुपए वाली एंट्री मार दो। यहां क्या लिखूं बताओ, बाई पीएल या बाई पीबीडीडी, इसका पोस्टिंग अगर लाओगे यहां पे तो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट, खत्म हो गया। बैलेंस शीट का डेटर अगर बनाओगे तो
अगर 40,400 को स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहो तो 40,400 लेस फर्दर बैड डेट 400। मैं स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा डेटर्स का बैलेंस शीट है ना, सॉरी, मैं स्टार्टिंग पॉइंट 40,000 रखने में मूड में रहता हूं हमेशा। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना था रे, 2000, 5%, 3,800। किसी को दो लाइन ऊपर ऐड करना है तो 40,400 माइनस 400 लिख के करेगा, नॉनसेंस है, बट ठीक है, जबरदस्ती सब्सटेंस सेम है ना, तो फॉर्म के लिए क्यों मारपीट करें। ये इस तरह से तीन पार्ट में आप प्रेजेंटेशन करोगे, पहले पीबीडीडी का लेजर, फिर बैड डेट का लेजर, फिर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हो, हमेशा ऐसे ही बनाना अपने को, गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पढ़ लिए, ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट है, लेकिन ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं है। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर का बैड डेट दिया हुआ है। अच्छा, ये जो क्लोजिंग डेटर 1,95,000 दिया है, 1,95,000, शायद उसमें लिखा है कि 1,95,000 इज बिफोर राइटिंग ऑफ द बैड डेट है, मतलब 4,200 घटाया हुआ नहीं है, तो हम लोग घटा देंगे। अपने पास कौन सा यार हाथ टूट गया है, कैलकुलेटर है, तो 1,95,000 माइनस 4,200 कर देंगे तो अपना 1,90,800 रुपया आएगा। अच्छा, इस 1,90,800 पे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनेगा 4% का, तो इंटू 4% आप बनाओगे तो 7,632 आएगा, 7,632 बनाओ सर। और उसके बाद जब माइनस कर दोगे 183,168, उसका फिर 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है, जो कि 3,663 आ रहा है मेरा। मैं एक बार वो वाला वर्किंग आपको बना देता हूं, डेटर्स 195,000 वर्किंग है ये, बैड डेट माइनस किया हुआ नहीं है बोल के हम कर रहे हैं 4,200, नेट आया 1,90,800, प्रोविजन फॉर बैड डेट 4%, आप भी बना लो 7,632, लेकिन सिमिलर टाइप के सम बहुत ज्यादा, 7,362 नहीं 7,632, सिमिलर सम बहुत ज्यादा बनाने से थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन है, घर में बैठे हो, बनाओ क्या है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
2% इसका बनेगा, बैलेंस शीट का फाइनल फिगर है 179,505। ये प्रॉपर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो, वर्किंग क्या है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, मांगा नहीं है उन्होंने, हमें दो ही लेजर बनाने बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो आइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट तो आपका लंबा प्रैक्टिस है, अब तीन सम का प्रैक्टिस हो गया इसलिए मैं लंबा प्रैक्टिस बोल रहा हूं। फॉर्मेट रेडी करो, YouTube में जब क्लासेस देख रहे हो अगर आपको लगता है कि बहुत स्पीड हो जा रही है मेरी क्लास तो वो पॉज बटन दबा दबा के देखो, अगर लगता है स्लो हो रही है तो 1.5x में देखो, 1.2x में देखो। लेजर रेडी, चलो ये चार अमाउंट आप लिख के दिखाओ, बाई बैलेंस बीडी टू बैड डेट टू बैलेंस सीडी बाई पी एंड एल लिखो, मैं दो मिनट के बाद लिख रहा हूं, मैं छुपा के लिख रहा हूं। आंसर मैच कराओ मेरे आंसर के साथ, इजी हो गया नहीं क्या प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बोलते हैं ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, दो अमाउंट आप बोलिएगा, एक बाई पीएल एक टू बैलेंस सीडी। बीडी वाला था नहीं ना सम में, और टू डिस्काउंट अलाउड एडजस्ट करने का सम में था नहीं ना, अगले सम में आ जाएगा, इसी साल पहली बार प्रोविजन बन रहा है। तो बाई पीएलएस है 3663, टू बैलेंस सीडी है 3663। बस यही मांगा, इसने दो ही लेजर मांगा है, छोटा सा सम था, क्वेश्चन नंबर 5 बनाए ना, 4 बनाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, प्रोविजन 5% का मेंटेन करती है कंपनी और बैड डिस्काउंट 2% का।
माने प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5 और 2 का डिटेल। बैड डेट और डिस्काउंट दिया हुआ है 2012 साल का भी, 2013 कैलेंडर ईयर का भी। सन्ड्री डेटर साफ लिखा है बिफोर प्रोवाइडिंग ऑल द बैड डेट एंड डिस्काउंट 60,000, फर्स्ट ईयर का लिखा है 60,000, तो आप 60 बोलोगे ही नहीं, आप बोलना 60 और माइनस, ये देखो दोनों 2,000 है, आप 58,000 बोलोगे, 60 है ही नहीं, 58,000 58,000 है। सेकेंड ईयर में 42,000, आप 42,000 बोलिएगा ही मत, डोंट से 42,000, जस्ट से 40,000, ये देखिए ना 1500 500 2,000 है, 40,000 बोलिएगा। अपन इसको बिफोर प्रोवाइडिंग ऑल द बैड डेट डिस्काउंट अपने मन मन में क्वेश्चन को चेंज कर दिए भाई, फाइनल डेटर डेटर्स 58 and 40,000 बढ़िया समय प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाने बोला है 2 साल का। मैं एक छोटा सा वर्किंग बना देता हूं, डेटर फाइनल फिगर लिख रहा हूं माइनस करके 58,000 40,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है समझ लो 5%, आप भी कॉपी करो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, सेकेंड ईयर 5%, 2000 5 × 4 = 20, 38,000 का 2% 760, अगर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाने बोलता तो ऐसा ही बनता। ये मैंने इसलिए बना दिया बच्चों वर्किंग पहले, ताकि क्लोजिंग प्रोविजन के फिगर आपके पास रहेंगे ना तो लेजर बनाने में आसानी होगी। ये सब क्लोजिंग प्रोविजंस हैं, तो चलो अब पहला लेजर बनाते हैं, सबका वर्किंग कंप्लीट। चलो आधा मिनट वेट कर लेता हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट के लेजर का फॉर्मेट डालिए, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,550, 4,550, 2 साल का अकाउंटिंग करना है, आप लोग फॉर्मेट डालो और मैं सिर्फ एक अमाउंट लिख रहा हूं 4,550, बाकी 3 अमाउंट आपको लिखना है, एक है टू बैड डेट, एक है टू बैलेंस सीडी और एक है बाई पी एंड एल। ये कई बार टू पी एंड एल हो जाता है बैलेंसिंग फिगर, कुछ भी आ सकता है। तो चलो ये अमाउंट आप लिख कर दिखाओ, बैड डेट पूरा इसी के अंदर घुसेगा। कितने का बैड डेट है, सिर्फ बैड डेट का डिस्कशन, कितने का बैड डेट है, सिर्फ 800 रुपए का। कितने का प्रोविजन है, कैरेट डाउन क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,900 का, तो बाई पी एल आएगा नहीं, टू पी एल आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा जगह छोड़कर चलते हैं हमेशा 850।
सेकेंड ईयर में भी ऐसे लिख के दिखाइए, बाई बैलेंस बीडी मैंने लिख लिया, टू बैड डेट टू बैलेंस सीडी बाई पीएल। एक्चुअली ये पैटर्न है, बाई पीएल ज्यादा आता है तो बोल के मेरा लिखने का आदत बना हुआ है। टू बैड डेट है, बैड डेट क्वेश्चन पेपर में होगा 1500, और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट है 2000, माने टू बैलेंस सीडी 2000, 3500 माइनस 2900 600। जितने भी सम बना रहा हूं मेथड टू से बना रहा हूं, सिस्टम को प्लेस में डाल दिया, जगह में डाल दिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बन भी रहा होगा आप लोगों से, कोई कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि ये इस चीज पे कोई कंफ्यूजन होगा। ये फाउंडेशन में बी कॉम में कई बार आप लोगों की प्रैक्टिस में आया होगा। सेकेंड ईयर का बी अकाउंटिंग कर दिया, अब मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना रहा हूं, एकदम 100% जेरोक्स कॉपी, मैंने बोला था खाली नाम अलग है, जैसे ऐसे देखो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन टू डिस्काउंट अलाउड टू बैलेंस सीडी बाई पीएल, बाई पीएल टू पीएल हो सकता है, आप जानते हो बैलेंसिंग फिगर के रूप में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है 800 रुपए, ओपनिंग प्रोविजन इनके पास 800 रुपए का था डिस्काउंट का, 1200 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, और फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग प्रोविजन 1102 रुपए का चाहिए, तो 1200 प्लस 1102 माइनस 800 बना 1502 रुपया, पीएल में आएगा ये। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1102, अगेन सेम फंडा, टू डिस्काउंट अलाउड 500, टू बैलेंस सीडी 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 760, बाई पीएनएल 158। लास्ट सम, ये टॉपिक कंप्लीट होगा, सन्ड्री डेटर 50,000 का 31 दिसंबर 2012, और 5,000 का प्रोविजन फॉर बैड डेट, 10% का प्रोविजन ये लोग बनाते हैं, 3,000 इनका ड्यूरिंग द ईयर का बैड डेट है, 400 रुपए की इनकी बैड डेट रिकवरी हुई है, उसको कोई चीज से मतलब नहीं है, उसकी अकाउंटिंग बिल्कुल अलग चलती है, क्लोजिंग डेटर 40,000 का बताया लास्ट डेट में, जिसमें से 800 रुपए का बैड डेट जो है वो हमें राइट ऑफ करना है, माने टोटल बैड डेट 3,000 का नहीं है, जो 3,000 उन्होंने बैड बोला 3,800 रुपए का है, और क्लोजिंग डेटर को भी 40,000 हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 40,000 में से 800 रुपए गिराना है, हम खुद ही बोल देंगे 40,000 माइनस 800,
टोटल डेटर 39,200 है मेरा, फाइनल क्लोजिंग डेटर 39,200। और बच्चों एक बार दोबारा बोलो, बैड डेट कितना है टोटल? ये 3,000 बैड डेट और ये 800 भी बैड डेट है। प्रोविजन का लेजर बनाना है और सेम परसेंटेज का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो अपना क्लोजिंग डेटर था कितना? 40,000 - 800 कितना हुआ था? फिर से बोलो तो, 40,000 - 800 39,200। तो अपन इसका अगर 10% प्रोविजन बनाएंगे, 39,200 का 10%, 3,920 रुपए का प्रोविजन आएगा। ठीक है, क्या लेजर मांगा है? बैड डेट अकाउंट मांगा है और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट मांगा है, पीएल और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मांगा है। हाँ, तो इजी सम है, रिपीट है और क्या बच्चों? पहले बैड डेट बना देते हैं। टू डेटर्स बाई पीएल नहीं, अपन तो बाई प्रोविजन करेंगे ना मेथड टू में। टू डेटर सब मिला करके 3,000 इधर और 800 इधर, तो 3,800 और बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट के चार फिगर, बाई बैलेंस बीडी, टू बैड डेट, टू बैलेंस सीडी बाई पी एंड एल। टू बैलेंस सीडी अपना था 39,200 का 10%, और 10% कैसे निकला था बताओ तो? पिछले साल 50,000 का 10%, 5,000 प्रोविजन बनाया था, इस बार 39,200 का 10% बनाएंगे लोग, 3,920। टोटल बैड डेट है 3,800, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन है 5,000, एंडल में ज्यादा नहीं जाएगा, 2,720। खूब ही प्रैक्टिस कर लिए, 6-6 सम का प्रैक्टिस इस छोटी सी चीज के लिए नहीं। पीएनडल एक्सट्रैक्ट, एक अमाउंट पीएनडल एक्सट्रैक्ट, एक सिंगल अमाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,720, खत्म। दो अमाउंट लिखने वाले क्या करेंगे बोलो तो? बैड डेट को अलग लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन के डिफरेंस को अलग लिखेंगे। एक अमाउंट लिखने वाले 2,720। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, डेटर स्टार्टिंग पॉइंट ही मैं लूंगा 39,200, कोई 40,000 से स्टार्ट करेगा तो कर सकता है। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,920, 35,280। सो विद दिस ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। सिमिलर टाइप के 6 सम बनाए, बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।